तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट कुछ खबरों को। दिल्ली के नए सीएम का ऐलान, बेरोजगार दिवस, यूपी पर ट्रिपल एससी रिफॉर्म और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात होगी इस वीडियो में। और यहां पर देख सकते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दिल्ली के नए सीएम, अगले सीएम का ऐलान कर दिया गया। जैसा कि दो दिन पहले जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो पद से इस्तीफा देंगे और जल्द नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। लिखा है आज से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार में इस वक्त वे सबसे ज्यादा विभागों के मंत्री हैं। कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे, फिर कुछ समय बाद आजसी का शपथ ग्रहण होगा, जिसके बाद वो आधिकारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए। इसके पहले भी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दो, एक शीला दीक्षित और एक थी सुषमा स्वराज, और उसके बाद में आजसी बनने जा रही हैं। आजसी की पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है और दिल्ली में बहुत सारे जो विभाग इनके पास हैं, कई सारे मंत्रालय इनके पास। अगली जो सूचना है वो बेरोजगार दिवस की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। और इस जन्मदिवस पर बहुत सारे जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र संगठन हैं, वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, लाखों ट्वीट हो चुके हैं। युवा मंच के संयोजक हैं राजेश सचान, इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया है। लिखा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 17 सितंबर, और ऐसा होता भी है हर साल जो विद्यार्थी इस तारीख को बेरोजगार दिवस मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने की मांग लगातार की जा रही है और सरकार उस तरीके से अभियान नहीं चला रही, उस तरीके से पद नहीं भर रही है जिस तरीके से पदों को भरना चाहिए। सुपर इनकी यहाँ पर मांग है, देखिए, सुपर रिच की संपत्ति पर संपत्ति टैक्स, शिक्षा स्वास्थ्य व रोजगार की गारंटी, खाली पदों पर तत्काल भर्ती, हर व्यक्ति की सम्मानजनक जिंदगी की गारंटी। और भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसने ट्वीट किया है, बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लिखा गया है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके हर साल 2 करोड़ नौकरी खा रही है सरकार, यही है मोदी की गारंटी, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। और समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ मजेदार जो फोटो हैं वो लगाए गए हैं, जो छात्रों ने सोशल मीडिया में डाले हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, नौकरी की दर है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ये पोस्टर भी आज वायरल हो रहा है। और भी हैं छात्र हैं जैसे राजबसु बीटीसी, इन्होंने ये जो शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी प्रयागराज में मांग कर रहे हैं पिछले लगभग 5-6 सालों से, ये वो पोस्टर लगाया छात्रों ने। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो भी ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। हंसराज मीणा है, ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहते हैं और यहाँ पर खासतौर से अभियानों में। तो इन्होंने लिखा है जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिवस था वो बाल दिवस के नाम से जाना जाता था, चौधरी चरण सिंह किसान दिवस, भीमराव अंबेडकर समानता दिवस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा दिवस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम छात्र दिवस और नरेंद्र मोदी बेरोजगार दिवस। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक और छूट गया है जो लिखना चाहिए था, जो शिक्षक दिवस मनाते थे 5 सितंबर को, जो भारत के राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, उनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता था, और वहीं पर लिख दिया नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को बेरोजगार दिवस और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, और ये फोटो यहाँ पर लगाई है। तो ये सोचने वाली बात है, सरकार इसको सोचे आखिरकार ये टैग क्यों लग रहा है। ये देखिए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर सिर्फ जुमला, बड़े मज़ेदार जो कमेंट कर रहे हैं विद्यार्थी आज, जो ट्विटर अभियान जो चल रहा है, बड़े मज़ेदार जो पोस्टर हैं वो लगा रहे हैं, और समाचार पत्रों में जो कटिंग है समय समय पर तो जारी होती रही है वो लगाया है। यहाँ पर देखिए, 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद हुए हैं, 54 लाख लोगों की सरकारी जो नौकरियाँ हैं, प्राइवेट नौकरियाँ जो भी हैं वो चली गई हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे जो लोग हैं। और यहाँ पर एक और अभियान चल रहा है, रिफॉर्म यूपी ट्रिपल एससी, और बेरोजगारों के समर्थन में। देखिए, मैंने भी ट्वीट किया है इन विद्यार्थियों के समर्थन में, और आप लोगों ने अगर मुझको फॉलो ना किया हो तो आप लोग मुझको भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग सर्च करेंगे तो मेरी आईडी आपको दिख जाएगी, प्रभा79 के नाम से आईडी है, ये आपको मिल जाएगी। ये यूपी ट्रिपल एससी रिफॉर्म्स की मांग है। देखिए, ये विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी में बदलाव की मांग कर रहे हैं, और इसमें बदलाव तो होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हम 40,000 नौकरियां इसी साल दे देंगे, यूपी ट्रिपल एससी से कहां से दे देंगे, कैसे दे देंगे, जब कोई ना परीक्षा हो रही है ना कुछ हो रहा है, चेयरमैन भी वहां पर नहीं है, और बहुत सारे कर्मचारियों की कमी है, और भर्तियों में भी समस्याएं हैं कि अंगपत्र जारी नहीं होते हैं, प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये मांग है, देख लीजिए विद्यार्थियों की, आप लोग किस मांग से कितने सहमत हैं ये भी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोग जो बताते हैं वही चीज़ें आगे जाती हैं, उसी पर वीडियो बनते हैं। लिखा PET को हटाना, ये एक विद्यार्थियों की मांग चल रही है PET को हटाने के लिए, हालांकि मैंने तो कहा था कि PET ना हटे, PET को लेकर के एक ही समस्या है कि भर्तियाँ जो लेट हो रही हैं, नहीं तो PET ना हटे करप्शन वाली जो बात है वो इससे थोड़ा सा कम होती है। अगर वही PET की जो वैलिडिटी है उसको ये बढ़ा दिया जाए, या यहाँ पर जो कॉमन कट ऑफ वगैरह हो ये लगा दिया जाए, ये चीज़ें तो चलती हैं, जैसे राजस्थान CET में लगा हुआ है, फिक्स है, इसी तरीके से इसकी जो वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया जाए। और अगर विद्यार्थी चाहें परीक्षा हर साल हो इसकी, ठीक है, PET की परीक्षा हर साल हो, और चाहे साल में 2 बार हो,
जो विद्यार्थी हैं वो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, स्कोर को बढ़ाने के लिए दोबारा भी दे सकते हैं, तिबारा भी दे सकते हैं, देते रहें, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है वो बनी रहे। विद्यार्थी चाहे तो दें चाहे तो ना दें, अपने जो पुराना उनका जो स्कोर कार्ड है वो उसी के आधार पर परीक्षा में बैठें, ये भी एक विकल्प रहे। और मुझे लगता है कि जो पीटी को हटाने वाली बात है ये ना हटे तो ज़्यादा सही है, ये एक साजिश लग रही है कोचिंग संस्थानों की। इसको लेकर के मैंने आप लोगों को पहले भी जानकारी दी थी कि कोचिंग संस्थान चाहते हैं कि पीटी ना हटे और सीधे लेखपाल भर्ती का एक बैच चला दिया जाए, एक लोअर का बैच चला दिया जाए, एक वीडियो का बैच चला दिया जाए, एक जूनियर असिस्टेंट का बैच चला दिया जाए। जब पेट हो जाता है तो उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा विद्यार्थियों का बैच बन नहीं पाता है। 10,000, 5,000, 4,000 विद्यार्थी आते हैं मुख्य परीक्षा में और वो कोचिंग ज़्यादातर करते नहीं हैं, होशियार विद्यार्थी ही होते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो उनका जो काम नहीं चल पा रहा है। तो एक ये चीज़ें हैं और बाकी तो जितनी भी मांगें वो बिल्कुल जायज़ हैं और ये होना भी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा कि एक रिजर्व लिस्ट जैसे यूपीएससी में होता है तो रिजर्व लिस्ट का भी प्रावधान हो, लंबित परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, पूरा कैलेंडर जारी हो जिसमें ये बताया जाए कि भर्ती का विज्ञापन कौन कौन सा आएगा इस साल और इस भर्ती की जो परीक्षा है वो कब होगी। जैसे एसएससी वगैरह में टेंटेटिव डेट्स रहती है ना एग्जाम की, आईबीपीएस में भी रहती हैं, बैंक की जो वैकेंसीज होती हैं, तो उसी तरीके से एग्जाम कैलेंडर की मांग सही है, लंबित एग्जाम जल्द हो, लंबित परिणाम जल्द हो, रिजर्व लिस्ट का प्रावधान हो, ये सारी बातें बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी आज रिफॉर्म्स यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं, इसको आप लोग वायरल कर सकते हैं। और बाकी आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कुछ और भी समस्या, हालांकि यहाँ पर मार्कशीट भी होना चाहिए जो विद्यार्थी फेल होते हैं उनको भी पता चले कि भैया कितने नंबर हमको मिले, हम कितने नंबर से चूक गए हैं। यहाँ पर लिखा है पिछले कई वर्षों से यूपी ट्रिपल एससी ने युवाओं के अमूल्य समय को केवल व्यर्थ नष्ट किया है, अब इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता, युवाओं को सरकार से बहुत अपेक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया संज्ञान में लेकर के अतिशीघ्र आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें। तो मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत इज्जत खराब की है उत्तर प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, जितनी ज़्यादा इज्जत यूपी ट्रिपल एससी ने बर्बाद की, जितनी ज़्यादा किरकिरी यूपी ट्रिपल एससी ने की है उतना शायद ही किसी ने किया हो। और यूपी ट्रिपल एससी में सुधार को लेकर के मैंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं आज, ये देखिए मेरा एक दूसरा भी ट्वीट है ये यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है और प्रयागराज में विद्यार्थी लगभग 12 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैंने इसमें की वीडियो में जानकारी भी दी थी और आप लोगों को लगातार अपडेट भी दे रहा हूँ। छात्रों ने ऐलान किया कि 19 सितंबर को प्रयागराज में ये महाधरना होगा, देख सकते हैं रजत सिंह प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड छात्र नेता इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। और उम्मीद है कि इस बार का जो महाधरना होगा वो जो 5 सितंबर को महाधरना हुआ था उससे भी बड़ा ये धरना हो सकता है। इस बार जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग जिलों में संपर्क कर रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं में आमंत्रण पत्र दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार दूर दूर के जिलों के भी विद्यार्थी आएंगे। पिछली बार भी विद्यार्थी आए थे लेकिन ज़्यादातर जो विद्यार्थी थे वो प्रयागराज और आसपास के जिलों के थे। विद्यार्थियों ने धरना इसलिए समाप्त किया था कि विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि हो सकता है कि परीक्षा कैलेंडर में नई भर्ती की चर्चा हो, लेकिन अब जानकारी ये मिली है विद्यार्थियों को कि जो परीक्षा कैलेंडर है उसमें नई भर्ती नहीं है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भी जब विद्यार्थियों ने पूछा, जब कई बार प्रतिनिधिमंडल छात्रों का गया नए आयोग में और वार्ता की वहाँ के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका कोई अधिकाचन नहीं आया है। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग से अधिकाचन के लिए प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा गया है लेकिन अभी तक अधिकाचन नहीं आया है। तो विद्यार्थी दबाव ये बना रहे हैं कि कम से कम जो परीक्षा कैलेंडर जारी हो जिसमें सभी भर्तियों के एग्जाम डेट की जानकारी दी जाए, तो उसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम कब होगा इसकी भी जानकारी दी जाए। फिलहाल ये जो धरना प्रदर्शन है ये प्रयागराज में कंटिन्यू जारी है 19 तारीख तक और 19 तारीख को महाधरना है। और आज के वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो सुनने के लिए